पिछले सरकार की ये है, पिछले सरकार वो कर दिया वो कर दिया। तो मेरा कहना ये है कि पिछले सरकार क्या की है तो उनको जाकर सजा दीजिए ना, उसकी सजा हम लोग पढ़े लिखे युवा को क्यों दे रहे हैं, हम लोग की क्या गलती है। नीति वो बनाती, अगर आप हमसे नीति पूछते क्या तो हम लोग गलत किए रहते तो आप हम लोग को सजा देते, तो उसका भुक्त भोगी हम ही क्यों बना रहे हैं। लेकिन आज जो है वो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग पढ़ करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिए, मतलब कि लोगों से मिलना जुलना, अपने परिवार में ही मुंह दिखाने के लायक नहीं हो गया, बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं हम लोग जब किसी से मिलते जुलते हैं। तो लोग पूछते हैं हजार तरह का सवाल कि पढ़ के क्या कर ली। हम लोग तो बहुत कोशिश किए थे, बहुत लड़ झगड़ करके पढ़ने आते हैं यहाँ पे, फिर पढ़ाई करते हैं, जो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद जब हमारी जब नियुक्ति ही देना बाकी था तो इस तरह से सरकार है सो घोषणा कर देती है, तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है और बुरा लगने के साथ साथ हमारे घर वालों भी टूट जाते हैं। वहाँ से आप लोग लगातार यहाँ आंदोलन के लिए आए हुए हैं, फैमिली है, एक उम्मीद थी जॉब की भी, तो किस तरह की मुश्किलें हैं, बाकी लोगों के सवाल बड़े होंगे गाँव से, परिवार से, रिलेटिव से? सवाल तो बहुत है, मतलब ऐसा हो गया ना कि हम लोग अब अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, मतलब उन लोगों के सामने, उन लोगों से हम लोग भागने लग गए हैं, क्योंकि हुआ ये कि सब लगभग सभी को जानकारी हो गई थी कि जॉब तो लग गई है, और उसके बाद मतलब उन लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे बस यही पूछा जाता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई थी उसका क्या हुआ, और उस वक्त हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि रियल में आशा तो हम लोगों को भी थी इस बात की कि नौकरी तो लग ही गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना मतलब कि सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद कोई प्रक्रिया बचता नहीं है हम लोगों की तरफ से। कि स्टूडेंट का है कि वो अगर एग्ज़ाम दिया, स्किल टेस्ट पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मतलब स्टूडेंट की तरफ से सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, और अब सरकार की ये मंशा है कि वो हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रही है, क्या वजह है वो तो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि आप देखिए कि 2017 की वैकेंसी थी ये, और 2017 में ही बहुत सारी अन्य वैकेंसियाँ भी निकली, उन लोगों की नियुक्ति करवा दी गई और हमारी नियुक्ति को रोक करके रखा गया। तो ये जहाँ तक कि हम लोग लगता है कि हम लोग के साथ ये सही नहीं हो रहा है, हम लोग के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, राजस्व कर्मचारी लोग जो थे उन लोगों को वेतनमान उन लोगों को मिल रहा है, उन लोग जॉब कर रहे हैं, और भी बहुत सारे दरोगा वाले लोग थे उन लोगों को भी रेडियो ऑपरेटर की भी नियुक्ति कर दी गई। तो कुल मिला जुला के लगता है कि सरकार जो एक टारगेट रखी हुई थी कि पंचायत सचिव की नियुक्ति जो है पूरी नहीं करना, क्योंकि इसमें लगभग 3000 कैंडिडेट, 3000 से ज़्यादा ही है, और 50% महिलाओं को आरक्षण भी था, और फर्स्ट टाइम ऐसा था जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। तो जहाँ तक कि हमको लगता है कि सरकार जगह जगह पे महिला सशक्तिकरण की बात करती है और भी बहुत तरह के मतलब कि महिलाओं को सशक्त करना, उसके लिए क्या स्टेप उठाना है बेटी। अभी तो मान लीजिए जो कांग्रेस भी यहाँ गठबंधन में है, 18 विधायक हैं उनके, अभी उन लोगों का नारा ही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आप जानते हैं कि बात सिर्फ नौकरी की ही नहीं है, एक लड़की जब जॉब करने आती है ना तो एक लड़का सिर्फ लड़ रहा होता है इस बात के लिए कि उसको घर चलाना है, पर एक लड़की इस बात के लिए लड़ रही होती है कि सोसाइटी बोल रही होती है बड़ा ना नौकरी करेगी, बड़ा ना कॉलेज भेज रहे हैं, है ना, घर चलाने का छोड़। आज हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि जैसे होता था ना कि दिमाग में कि लड़कियां पढ़ लेगी तो समाज का विकास करेंगी, घर का विकास करेंगी, परिवार का विकास करेंगी, लेकिन आज जो है वो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग पढ़ करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिए, मतलब कि लोगों से मिलना जुलना, अपने परिवार में ही मुंह दिखाने के लायक नहीं हो गया, बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं हम लोग जब किसी से मिलते जुलते हैं, तो लोग पूछते हैं हजार तरह का सवाल कि पढ़ के क्या कर ली। तो बात है कि अब हम लोग के पास कोई जवाब नहीं है, हम लोगों के लिए जो पढ़ना लिखना है जो हम लोग के लिए अभिशाप बन गया है, बस समझ में नहीं आता कि सरकार क्या चाहती है हम लोग को कि बस नियुक्ति दे दे, इतना ही सरकार से कहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर चुके हैं और हम लोग भीख नहीं मांग रहे आपसे, हम आपने नोटिफिकेशन निकाला, हमने सारे क्राइटेरिया को पास किया, तो फिर आप क्यों नहीं करना चाह रहे? तो हम लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और आपको जैसा कि पता होगा कि पिछले 32 दिनों से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर मंत्री विधायक सभी के पास गए, उनके घर घर जा कर के मिले, अपना ज्ञापन सौंपे। पिछले बार कैबिनेट में बात होने की भी बात थी कि 10 तारीख को कैबिनेट में बात होगी, लेकिन कुछ भी बात नहीं उठाया गया, मतलब अभी तक तो रिजल्टेंट जीरो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को, लेकिन हम लोगों का ये धरना रेगुलर भी चलता रहेगा, और इस बार तो हम लोग सोच के ही है कि हर बार की तरह इस बार नहीं होगा, इस बार हम लोग नियुक्ति लेकर के ही उठेंगे। आप इधर आ जाओ, उनसे बात करते हैं। अभी वही सवाल आपसे, बीइंग महिला है ना, कि आप लोगों के लिए केवल बात जॉब की पढ़ाई के लिए नहीं थी, बात थी सोसाइटी से लड़ना पड़ता है, मतलब आप पढ़ाई एजुकेशन ही हासिल कर लें उसके लिए लड़ना पड़ जाता है, ये इंतज़ार इतना लंबा, कई सवाल होते होंगे।
सर सवाल तो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक लड़की का सोसाइटी से निकल करके इस मुकाम तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात होती है। लोग इंस्पायर होते देख करके कि देखो उनकी बेटी का जॉब लग चुका है। ये सब चीज़ होता है ना, गांव में एक मैसेज पहुंच जाता है कि जॉब लग चुका है, अब हम लोग की अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हम लोग तो बहुत कोशिश किए थे, बहुत लड़ झगड़ करके पढ़ने आते हैं यहाँ पर, फिर पढ़ाई करते हैं, जो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद जब हमारी जब नियुक्ति ही देना बाकी था तो इस तरह से सरकार है सो घोषणा कर देती है, तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। और बुरा लगने के साथ साथ हमारे घर वालों भी टूट जाते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाए इतना खर्च किए, बेटी को पढ़ाए इतना खर्च किए, उसके बाद अब और बच्चे को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। एक रूरल एरिया से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, तो अब हमारे माँ बाप भी डरते हैं कि अब क्या होगा। पढ़ लिख के एक तो टाइम बर्बाद होता है, उम्र भी ख़त्म होती है, पैसे भी खर्च होते हैं, प्लस समाज सोसाइटी भी अलग बोलता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर। बहुत दूर से आने के बाद यहाँ पे हम लोग इस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो सरकार से एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो सवाल पूछा जाता ही होगा, जो लोग इस बात के ख़िलाफ़ होंगे, जब आपने मम्मी पापा को, मतलब पापा ने आपको पढ़ने दिया, तो वो वहाँ पे तंज उन पे कसा जाता होगा कि मना किए थे, इतना पढ़ाओ लिखाओ नहीं, देख लो नतीजा, ये सब बातें होती। राइट सर, ये बोलते हैं कि ये मतलब क्यों पढ़ाएं, देख रहे हैं सरकार का भी उसी तरह रवैया है, आप मतलब पढ़ाने से क्या फ़ायदा, इतना आप जब पैसा बर्बाद किए तो ये तो फालतू है ना। और इस तरह से और लड़की लोग भी होती है मेरे घर के अगल, वो हम उसको बोल भी नहीं पाते कि तुम पढ़ाई करो, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी मेरे साथ जो हुआ है वो उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी सरकार ही आ सकती है। जब इनका मैनिफेस्टो में ही खुद आते ही बोले थे कि हम आते हैं फर्स्ट कैबिनेट बैठक में ये पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करवाएंगे, लेकिन उस दिन से वेट करते करते सर 2.5 साल हो चुकी है। 2.5 साल बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन जब भी डिबेट होता है या तो कुछ भी बात होता है, आपकी बात संज्ञान में ये संज्ञान वर्ड सुन सुन करके बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। संज्ञान है तो उसको फुलफिल करने आपको कितना टाइम लग रहा है, मात्र आपकी इच्छा शक्ति नहीं। अब लोग हम तो यही तो बोल सकते हैं कि इच्छा आप लोग से रिलेटेड कोई केस भी तो नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई तकनीकी पक्ष फंसा है, कुछ भी नहीं सर। हाईकोर्ट जो है ना वो 2 फॉर्मूला भी दी है, बोली कि आप ये 1266 में 2 फॉर्मूले का उल्लेख किया गया है, बोला गया इस फॉर्मूले के तहत आप 2400 जिला की नियुक्ति कर सकते हैं। तो फिर भी सरकार कहती नहीं, ये आप लोग पिछले सरकार की ये है, पिछले सरकार वो कर दिया। तो मेरा कहना ये है कि पिछले सरकार क्या की है तो उनको जा करके सजा दीजिए ना, उसकी सजा हम लोग पढ़े लिखे युवा को क्यों दे रहे हैं, हम लोग की क्या गलती है। नीति वो बनाती, अगर आप हमसे नीति पूछते क्या तो हम लोग गलत किए रहते तो आप हम लोग को सजा देते, तो उसका भुक्तभोगी हम ही क्यों बना रहे हैं। वो सरकार से ये पूछना है, आपको इसलिए ही चुन करके लाया गया था कि आप पिछले सरकार जो गलती की है उसकी गलती को आप ना दोहराएं, उसकी जो गलत चीज़ है उसको आप सुधार करके सबको आगे नौकरी दीजिए, तो बस वही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो सरकार बात ही नहीं मिली तो क्या कहा जा सकता है। और ये कल आलमगीर आलम के पास भी गए थे, फिर एक क्या नाम है भूल रहे हैं सर उनका नाम, वो हाँ रामेश्वर उराव के पास भी गए थे, राजेश ठाकुर उनसे बोले कि सर आप भी तो सरकार में, आप सरकार से बात करिए, तो वो बोलते हैं सरकार मेरी सुनती नहीं है। तो सर सुनती नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार तो एक समूह मिल करके बना, गठबंधन सरकार है तो मिल करके बने, तो कोई भी डिसीजन है सो मिल करके लीजिए। या तो अगर आप लोग को नहीं आता है तो हम लोग यहाँ धरने पर आज 32वां दिन हम लोग से डिसाइड करिए आखिर क्या हो सकता है। आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बात करें, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट के काम के लिए हम लोग को इस रोड पर बिठा रहे हैं, कहाँ तक उचित है सर। हम लोग एक राज्य के भविष्य है और आप राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हमारा राज्य समझ सकते हैं कि कितने नीचे चला जाएगा। क्या कभी हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग आज अमेरिका जैसे देश बन सकते हैं, हमारा राज्य भी अमेरिका की तरह हो सकता है, या तो दूसरे स्टेट की तरह जो शिक्षित है उस तरह से विकसित हो सकता है। तो मतलब बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है झारखंड में, तो बस सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब संज्ञान मत लीजिए, आपकी बस 2 मिनट की काम है, आप काम कीजिए, काम करिए, युवा को लोग इस तरह से भटकने नहीं दीजिए, क्योंकि यही राज्य का भविष्य है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो 32वें दिन भी जारी है। एक जो धड़ा है इनका आंदोलनरत अभ्यर्थियों का वो दिल्ली में है, राहुल गांधी से मुलाकात के लिए शायद 22 फरवरी का समय दिया गया है,
और बाकी यहाँ पर भी आश्वासनों का दौर जारी है, संज्ञान में लेने का दौर जारी है। 5 साल का एक लंबा इंतजार बीत गया है और कई लोग इस उम्र में हैं कि वो दोबारा किसी चीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते, और अप्लाई कर भी सकते हैं तो एक उम्र होती है, जब आप 25 के 26 के होते हैं तो आपके पढ़ने की जो ऊर्जा रहती है, और एक जब 30 के या 32 के होते हैं उसकी ऊर्जा में फ़र्क होता है। उम्मीद यही होगी कि कम से कम जहां पर कोई टेक्निकल इशू नहीं फंसा है, कोई केस नहीं है, सरकार उसे अपने अहम के टकराव से नीचे उतरे और बहाली जो है वो शीघ्र कर दे। वैसे भी पंचायत जब मजबूत होंगे और जब आप महात्मा गांधी को माल्यार्पण करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ग्राम स्वराज का नारा महात्मा गांधी ने दिया था कि ग्राम मजबूत होंगे, गांव पंचायत मजबूत होगा तो विकसित स्टेट बनेगा। तो अगर आप विकसित स्टेट बनाना चाहते हैं तो पंचायत में कर्मचारी चाहिए, और वो कर्मचारी राजभवन के सामने बैठे हैं जहाँ उन्हें नहीं बैठना चाहिए था। फिलहाल इजाज़त दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। Share and subscribe www.thefollowup.in